बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर धर्मेंद्र ने आखिर असली गोली क्यों चलाई? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं शो में आज इसी किस्से पर बातचीत करेंगे? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने कैसे गुस्से में असली गोली चला दी थी। और अमिताभ बच्चन का उस गोली के चलने के बाद क्या हाल हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन साहब ने सुपरहिट फिल्म शोले को लेकर कई किस्से शेयर किए, जिनमें से उन्होंने बताया शूटिंग के दौरान हुए हादसे जहां पर अमिताभ बच्चन पर धर्मेंद्र ने असली वाली गोली चला दी थी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की असली बंदूक की गोली अमिताभ बच्चन के कान के बिल्कुल पास होकर गुजरी, लेकिन अमिताभ बच्चन को टच नहीं कर पाई, जिसके चलते अमिताभ बच्चन साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ। जय 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 जय, तू ठीक है ना? शोले फिल्म की बात करें तो रमेश सिप्पी साहब ने इसका डायरेक्शन किया है, जिसका आकर्षण यानी कि इस फिल्म को आज भी पसंद किया जाता है। फिल्म में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी और जया बच्चन, संजीव कुमार और अजमत खान जैसे दिग्गज कलाकारों को देखा जा सकता है। इस फिल्म को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। फिल्म की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और खूंखार डाकू के बीच की है। फिल्म में दो छोटे अपराधी हैं जो इस डाकू से मुकाबला करते हैं। दोनों अपराधी का नाम जय और वीरू है, जिनकी भूमिका अमिताभ और धर्मेंद्र ने निभाई है। अगर आपने शोले फिल्म देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अब तक शोले फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।